हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं आपको आज क्यूबॉइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। जो कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक क्यूबॉइड है और ये एक मोबाइल का बॉक्स है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है। तो हम पहली प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले जो कि है उसकी फेसेस, क्यूबॉइड की फेसेस। जो कितनी फेसेस होती हैं क्यूबॉइड की? 6 फेसेस होते हैं। तो पहली फेसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। और ये जो है, इसकी सारे फेसेस जो है रेक्टेंगल होते हैं। आप देख सकते हैं, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, सारे जो है रेक्टेंगल ही है। तो उसके बाद देखते हैं हम एजेस। एजेस कितनी होती है इसकी? 12 एजेस होती है, 12 एजेस। तो पहली एजेस देख सकते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 and 4। और आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4 हो गई 8। तो यहाँ पे भी 4 है, 1, 2, 3, 4 हो गई 12। तो टोटल कितनी एजेस होती है? 12। और आगे हम बात करते हैं कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स में कितने होते हैं? 8 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। 1 corner 2 3 4 5 6 7 8। और अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की, जो कि है इसका सरफेस एरिया कैसे निकालें। सरफेस एरिया कैसे निकालें? तो ये जो साइड है हमारा, इसका सरफेस है कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मगर ये इसके अपोजिट साइड जो है, इसी की एक शेप है, मतलब इसी का एक साइड है जो कि इक्वल है। देख सकते हैं आप, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो ये 2 है, तो 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका कैसे निकलेगा? 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब बात करते हैं इसकी, ये जो है इसकी लेंथ है, क्यूबॉइड की लेंथ है। तो इसका कैसे निकलेगा? लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। ये जो है इसकी हाइट है, ये लेंथ है, ये हाइट है, लेंथ इनटू हाइट। ये 2 है, इसके अपोजिट साइड भी 1 है, तो लेंथ इनटू हाइट, 2 लेंथ इनटू हाइट। तो इसका भी निकल गया लेंथ का भी। अब ब्रेथ का देखते हैं, ये ब्रेथ है, ब्रेथ इनटू हाइट। तो अपोजिट साइड 1 और है ब्रेड्थ है, तो 2 ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ और प्लस 2 ब्रेड्थ इनटू हाइट, 2 ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस 2 लेंथ इनटू हाइट, 2 लेंथ इनटू हाइट।